नमस्कार, खबर फास्ट पर आप बजट 2023 को लेकर खास कवरेज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर 11 बजे बजट पेश करेंगे और इस बार का बजट कितना होगा, हालांकि आंकलन 1,85,00,000 के करीब जो है वो आंका जा रहा है। हालांकि पिछले बार की अगर बजट की हम बात करें तो 1.77 लाख करोड़ रुपये का बजट जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया था, और उससे पहले के बजट की बात करें तो 1,53,00,000 करोड़ का बजट जो है वो हरियाणा सरकार लेकर आई थी। और इस बार क्या कुछ घोषणाएं होने वाली हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जनता को काफी ज्यादा बजट से उम्मीदें हैं। और जनता की उम्मीदों की अगर हम बात करें तो लगातार हमारे संवाददाता लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के बजट से वो कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ऐसे में रोहतक का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लोगों के बीच में आप बने हुए हैं, क्या लग रहा है लोगों की, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार बजट से, कि क्या कुछ और बजट में इस बार खास होना चाहिए जिससे कि उन्हें राहत मिले? लोगों के बीच में मैं हूं और इनसे अलग अलग प्रतिक्रिया जानेंगे, क्योंकि महिला भी साथ में है, किसान भी यहां पर है और कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी भी हैं जो, और अन्य जो अलग अलग संस्थाओं के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम के तमाम लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो बजट आ रहा है कहीं ना कहीं उनके लिए उम्मीदें अब की बार क्या लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले मलिक साहब, आप बताइए क्या जो बजट है उसको लेकर के कितनी उम्मीदें हैं आपकी? मेरी ओर से खबर फास्ट के सभी श्रोताओं दर्शकों को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि चुनावी बजट होने के साथ साथ ये जनता को राहत देने वाला बजट होगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल से भी आता हूं और शहरी शहर में रहता हूं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो उपेक्षा सरकार द्वारा की जा रही है, चाहे वो सड़क टूटी हुई है, चाहे स्वास्थ्य का बुरा हाल है, जहां कोई डिस्पेंसरी है, स्टाफ नहीं है, दवाई नहीं है, स्कूलों की हालत खस्ता है, उन सब की तरफ ध्यान देगी प्राथमिकता के आधार पर सरकार और बजट का प्रावधान रखेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के वरिष्ठ जन, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए एक दो जगह क्लब तो बना रखी हैं, लेकिन ना तो वहां कोई अटेंडेंट है, ना बजट का प्रावधान अच्छी प्रकार से है, तो निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भी सरकार बजट में कुछ ऐसा प्रावधान। बिल्कुल बिल्कुल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट में कुछ होगा ये इनका कहना है। हम एक जो किसान है उनसे बात करेंगे कि जो बजट आने वाला है उसको लेकर क्या कहना है जी। क्या नाम है जी आपका? राजवीर जी नाम है जी। राजवीर, मैं कलाउर से किसान हूँ। किसान वर्ग इतना परेशान है, टाइम पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, टाइम पर खाद नहीं है। बिल्कुल, उम्मीद क्या है अब की बार किसानों के लिए सरकार, क्योंकि जिस तरह से किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उनको लेकर सरकार जो प्रयासरत है, तो आपका क्या कहना है? उम्मीद तो यही करते हैं भाई, सरकार खाद को सस्ता करे, दवाइयाँ सस्ती करे, कुछ जो कर्जा देते हैं सरकार किसानों को उसमें भी राहत दे, ये उम्मीद की जा रही है जी। बिल्कुल, आप रिटायर हैं जी, क्या कहेंगे? जगवीर जी कैप्टन हैं आप। नमस्कार जी, मैं पहले तो ये चाहूंगा सरकार से, ये उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा तो नंबर वन है बेरोजगारी में, मतलब युवाओं को रोजगार दे और उनको अच्छी एक नैतिक शिक्षा के लिए जो स्कूल है वहाँ पर व्यवस्था हो, क्योंकि आजकल जो स्कूलों की गाँव में व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है उनमें जितेंद्र रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो ओपीएस को लेकर भी इनसे सवाल पूछे कि इसको लेकर किस तरीके की उम्मीद सरकार से लगाए बैठे, क्योंकि विपक्ष अब ओपीएस को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा और मांग कर रहा है कि इसको लागू किया जाए। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग कर्मचारियों से, महिलाओं से भी बात करूंगा जी। जिस तरह से रिटायर कर्मचारी है उनको लेकर के सरकार काफी प्रयासरत है, काफी जो है योजनाएं हैं उनके लिए, और बुजुर्ग लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले आपका जो खबर पास जो चैनल है उसका धन्यवाद, आप यहाँ तक हरियाणा की समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं। मैं दलीप सिंह मलिक, पीजीटी लोगों की, मैं देखिए आज हरियाणा की जनता बहुत ही इंतजार कर रही है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है और मुख्यमंत्री तो अपना कुछ कर रहे हैं, तो हरियाणा की जनता काफी आस लगाकर बैठी है। खासकर हमारे सरको समान भत्ता मिलता है 2,500 रुपए महीना, उसको लेकर के काफी आसान्वित है कि वो उसमें, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, और हरियाणा के जो वरिष्ठ सदन है वो आशा लगाए हुए हैं कि काफी बढ़ोतरी हो उसमें, क्योंकि इनका जो चुनावी जो इनके वायदे थे उनके अकॉर्डिंग 5,000 पेंशन होनी चाहिए थी,
इसी के साथ साथ जैसे कैप्टन साहब ने बताया, शिक्षा का बुरा हाल है और बेरोजगारी में ये सीईटी और इसमें उलट करके रह गया है। पिछले 4-5 साल से कोई खास भर्ती या हरियाणा में हुई नहीं है। अभी उम्मीद है कि के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ काफी मेरे ख्याल में मनोहर लाल खट्टर सोचते होंगे इस बात में, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, अगले साल चुनाव भी हरियाणा विधानसभा के होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स वगैरह उसको कम किया जाए और किसानों के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। कई जगह जल भराव है, बहुत समस्याएं हैं, तो उनको लेकर के हरियाणा सरकार को ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ रोकना चाहूँ।